हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ये है यहाँ पर जो है Realme का 12 Plus 5G वाला फोन जो अभी लेटेस्ट आया था, और ये फोन भाई काफी बढ़िया रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम जो इसमें करने वाले हैं गेमिंग टेस्ट, जो कि होने वाला है फ्री फायर मैक्स का। अगर आप फ्री फायर मैक्स खेलते हो तो ये वाली जो वीडियो आप पहले पूरी देख लेना, अगर आप इस वाले फोन को गेमिंग के पर्पज से आप जो खरीदने की सोच रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि फोन तो आपको 18,500 रुपये में मिल जाता है आपने डिस्काउंट के बाद। एक 5G फोन है, काफी अच्छा है, ऑलराउंडर फोन रहने वाला है सभी चीजों में, चाहे वो कैमरा टेस्ट हो, लुक हो, डिजाइन हो, डिस्प्ले हो, या आप जो है गेमिंग पर्पज से आप फोन ले रहे हो, ठीक है। इससे पहले जो मैंने वीडियो थी इसमें जो गेमिंग टेस्ट भी करी थी, अनबॉक्सिंग वाली वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी, जाकर के देख लेना। तो आज हम इसमें करने वाले फ्री फायर का गेमिंग टेस्ट, किस तरीके से परफॉर्मेंस वो निकालने वाला है, तो लैग वगैरह करेगा नहीं करेगा, किस तरीके जो अच्छा गेम प्ले है वो किस तरीके निकाल कर दिखाने वाला है, वो सारी चीजें होने वाली है। क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना, 5G फोन है तो 5G प्रोसेसर है जो कि आपको मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 7050 का, और डिस्प्ले आपको काफी अच्छी मिल जाती है, एमुलेट पैनल है और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो फोन भी काफी मक्खन से चलने वाला है, जो कि हमें गेम के अंदर काफी स्मूथनेस जो है देने वाला है। तो वो चीज हम चेक करके देखने वाले हैं कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलने वाली है। तो बस वीडियो को आप पूरा देखना शुरू से लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, Realme का 12 Plus 5G वाला फोन जिसमें आज हम करने वाले गेमिंग टेस्ट, बट ये जो होने वाला है फ्री फायर मैक्स का होने वाला है, ठीक है। क्योंकि फोन के अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी का 7050 का, और फोन भी भाई काफी मस्त है, क्योंकि 18,500 रुपये की रेंज में आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डिस्प्ले भी काफी बढ़िया मिल जाती है, प्रोसेसर काफी अच्छा है, और डिस्प्ले के अंदर आपको जो है 120 हर्ट्ज का एक अच्छा रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो फोन को काफी स्मूथ बना देता है, ठीक है। तो वही चीज हम चेक करके देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर फ्री फायर मैक्स को डाल लिया है, और डालने के बाद इसको मैंने डाउनलोड करके सारी चीजें ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद सबसे पहले चलते हैं इसके ग्राफिक्स में, ठीक है। क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है कि ग्राफिक्स सभी अनेबल मिलते हैं आपको, डिस्प्ले के अंदर चलते हैं यहाँ पर आपको स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा मैक्स, तो यहाँ पर मैंने जो है अल्ट्रा मैक्स कर रखा है, ठीक है अभी, क्योंकि पिंग वगैरह का थोड़ा सा इशू रहने वाला है, क्योंकि मैंने वाईफाई से कनेक्ट करके चला रखा है, तो यहाँ पर जो मैंने इसको अल्ट्रा पे कर रखा है। और करने के बाद अब यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है क्लासिक स्कोर गेम लगाते हैं, और देखते ही किस तरीके परफॉर्मेंस है, ग्राफिक्स, कलर्स वगैरह किस तरीके के आपको देखने को मिलने वाले, ठीक है। क्योंकि फोन आपको एक तो इतने में मिल रहा है, फोन का लुक डिजाइन मुझे काफी बेस्ट लगा इस वाले फोन का, और गेमिंग के लिए अगर आप इस वाले फोन को लेने की सोच रहे हैं तो भाई काफी बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। क्योंकि मैंने इसकी जो पबजी टेस्ट करा था उसमें भी आपको काफी अच्छे ग्राफिक्स मिल रहे थे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल रहा था। और वही चीज़ यहाँ पर हम चेक करके देखने वाले हैं कि इसमें भी आपको किस तरह के जो परफॉर्मेंस है, ग्राफिक्स है, वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं आप डायरेक्ट। तो ग्राफिक्स वगैरह तो सही है, और चलाने में भी काफ़ी सही लग रहा है, यहाँ पर अभी तक तो सही चल रहा है भाई, कोई भी बंदा नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक तो। तो गाइस पीछे की साइड से भी बंदा था भाई, ऊपर की साइड में भी बंदा, दो दो बंदे आ चुके हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो है, लेकिन चलाने में कैसा काफ़ी सही लग रहा है, ग्राफिक्स वगैरह स्मूथ चल रहा है, काफ़ी सही है। तो बाकी आप मुझे खुद कमेंट करके बताना, क्योंकि ये फ़ोन जो है ना, एक तो काफ़ी अच्छी आता है, और एक तो बजट में एक 5G फ़ोन अगर आप जो 18-19 की रेंज में फ़ोन ले रहे हो, तो कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया इसमें थी, जैसे मैंने आपको अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में भी बताया था, बट गेमिंग की परफॉर्मेंस किस तरीके की मिल रही है वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो भाई बन भी बना, अब यहाँ पर रह चुका है, तो टीममेट भाई जाके मार दे हेल्थ का डैमेज। गाइस बूम, तो टीममेट काफ़ी सही खेल रहे हैं, क्योंकि देखो भाई मुझसे पिस्टल वगैरह नहीं चलती है, क्योंकि पबजी खेल खेल के भाई जो है उसकी ज़्यादा आदत है। अपने को चाहिए यहाँ पर MP5 जो कि आपके मिल चुकी है, और भाई अब बस बूम, क्योंकि भाई इसको जब वही मिलती है ना तो ये चलाने में मज़ा आता है ये चीज़, ठीक है। अपने पबजी वाला मज़ा आने वाला है यहाँ पर भी, और वही चीज़ है, एक यार गन मिल जाए ऑटो और बस। तो हेलमेट बेस्ट मैंने ली नहीं है, कलर्स ग्राफिक्स आप देख ही रहो किस तरीके आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये अल्ट्रा पे है, और आप मैक्स पे खेलोगे तो और भी अच्छी जो है ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे, बट वहाँ पर क्या है कि भाई थोड़ा सा नेटवर्क भी सही होना चाहिए, और आपको जो है फिर कलर्स वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गाइस जब भाई बंदे आते हैं ना सामने और यार कहने तो भाई डरते हैं डर सामने से, ठीक है, क्योंकि अपना तो भाई बन टैप टाइप का नहीं खेलता यहाँ पर, क्योंकि पहले अपन वही चीज़ खेलते थे,
और यहाँ पर भी देखो काफी अच्छे किले और आपके पास अभी फोन है, अच्छे ग्राफिक्स हैं, आपसे अच्छा खेलना आता है तो फिर भाई क्या ही कहना, क्योंकि फिर तो आप अच्छा गेम प्ले आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर देखो अभी हेलमेट वेस्ट वगैरह भी नहीं ली थी तो मैं हेलमेट वेस्ट वगैरह भी, यहाँ पर आपके कोइंस बच जाएंगे तो इनको ले लेते हैं, ठीक है इसको मैक्स और इसको भी ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इस बार भाई काफ़ी तगड़ी तबाही यहाँ पर आपके करने वाले हैं, तो ग्राफिक्स भी काफ़ी सही है, कलर्स भी काफ़ी बढ़िया आ रहा है और यहाँ पर जो है फ़ोन भी ठीक ठाक है और आप हाई ग्राफिक्स पे भी काफ़ी टाइम तक खेल सकते हो, कोई भी आपको जो है लैग वगैरह आपको दिखाई नहीं देगा कि हीटिंग्स वगैरह की दिक्कत हो रही हो तो वो भी आपको दिखाई नहीं देगी। भाई ये सीन मुझे भाई बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, ठीक है, इसलिए मैं इसको भाई यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि यार देखो बंदा नोक होने वाला था तभी उसने भाई वो यूज़ कर लिया। तो गाइस दोनों नोक, मैं तीसरा बंदा भी भाई इधर आ गया, हमारे टीममेट हो गाइस पता नहीं चलता भाई किधर किधर है घूम रहे, देख लो दो बंदे उसके नोक पड़े हैं और यहाँ पर ये देखो ये महाराज जी इधर दबक के बैठे हैं। लो भैया अब जा रहे हैं गाइस, देख लो भाई सारा मैच हरवा देगा अकेला बंदा ही, देखो नोक वाले बंदों को मार रहा है यार, क्या ही बोलूँ मैं आप इसको। तो बाकी गाइस आप मुझे खुद कमेंट करके बताना कि इस वाले फ़ोन से अगर आपके पास फ़ोन अगर ये हो तो आप किस तरीके से गेम प्ले इस वाले फ़ोन से निकाल सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके गाइस ज़रूर बताना, ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।